जय जगन्नाथ, जय पंचखा। दोस्तों, उड़िया भाषा में लिखा गया है मालिका के पवित्र ग्रंथ, और मालिका का ये पवित्र ग्रंथ प्रमाण देता है कि ऐसे भी मालिका के वर्णित, मालिका में लिखा गया ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसको हम मालिका वर्णित स्थान कहते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक अनोखा नदी के किनारे हम पहुँच चुके हैं जिसका नाम है चित्रतपला। चित्रतपला रिवर, चित्रतपला नदी के किनारे हम चल रहे हैं। तो मालिका में ये लिखा गया है, मालिका के अनेक ग्रंथ ये प्रमाण देता है माँ गंगा, गंगा नदी जो है उससे 100 साल बड़ा है ये नदी जिसका नाम है चित्रतपला, और बिल्कुल बगल में है नमालपीठ यानी नमाल गादी, संत अच्युतानंद दास की यह है साधना पीठ बिल्कुल बगल में। और ये जो आप देख रहे हैं कि भक्तों की ये जो भीड़ है, ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है। यहाँ पे भक्त जो है महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर मालिका में लिखा गया है चित्रतपला नदी के बारे में। तो यहाँ पे इसी नदी के किनारे बहुत सारे मठ है और मंदिर भी है। अगर गिनती करें तो लगभग 270 से भी ज़्यादा यहाँ पे है मठ और मंदिर और आश्रम। और आने वाले समय में कली के अंतिम लीला में ये वही स्थान है जहाँ पे होगा संहार लीला और जहाँ पे होगा भक्तों की परीक्षा। तो क्या क्या है इस नदी के और भी महात्म्य, इसके बारे में आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा। बाबा जी, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तो बाबा जी, दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं ये जो चित्रतपला नदी के किनारे हम हैं, तो मालिका के कौन से ग्रंथ प्रमाण देते हैं और क्या क्या है महिमा, भक्त अगर यहाँ पे आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, उसके बारे में आप बताइए। महाप्रभु पंचसखा जो है अच्युत अनंत जसवंत बलराम जगन्नाथ शिशु अनंत, भविष्य ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद जी लिखा है ये जो चित्रतपला का नदी का किनारे पर 270 मठ है। 270 270 मठ है। यहाँ पर लीला होगा कलि युग में जो भगवान का जो लीला है जगन्नाथ अंतिम लीला है, यहाँ पर आरंभ होगा। अच्छा, आरंभ होकर शुरुआत हो जाएगा। महाप्रभु जी के बारे में भविष्य ग्रंथ में लिखा है एक कुरुक्षेत्र, दूसरा ब्रह्मक्षेत्र, तीसरा है श्रीक्षेत्र। ये गुरुक्षेत्र है जो उड़ीसा के में जो लगभग 11 लाख ग्रंथ लिखा है पंचसखा लाख जो है ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ इसमें प्रमाण देता है यहाँ पे लीला होगा। ये ब्रह्म गुरुक्षेत्र है, ये विश्व में 111 देश इसको मानेगा। मालिका में क्या क्या लिखा है, वो क्या क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो कर्म क्या होगा, कर भक्त और ज्ञान, ये तीनों के बाद वो भविष्य ग्रंथ में लिखा है कैसा कर्म हम करूँगा। ये अंतिम युग में जो भक्त आएगा वो कैसा कर्म करेगा, यहाँ पर जो लगभग लोग है, यहाँ पर है लाख लाख लोग है ना, ये भगवत कर्म है, भगवत कर्म करने के लिए यहाँ पे भक्त आया है। ये देखो लाख लाख भक्त है, 10 लाख भक्त है, 10 लाख करीब, ये 10 लाख भक्त हैं तो यहाँ पे आए हैं संत अच्युतानंद दास जी को दर्शन पाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। भगवान अच्युतानंद जो सिद्ध साधक है ना, इसका महाप्राण दिवस आज हुआ, वो ब्रह्म से लीन हो गया। बहुत बहुत तो बढ़िया। मालिका ग्रंथ में लिखा है आद्य लीला होगा नेमाल बट में। अच्छा, जो ब्रह्म क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र है, यहाँ से जो लीला होगा ये वो नेमाल बट में होगा। यह इसमें जो बट है 500-600 वर्ष का जो पेड़ है ना, फकला का बट है, यहाँ पे बट वृक्ष है, यहाँ पे लिखा है इसके आद्य लीला यहाँ पर होगा, शुरू होगा। तो यानी मालिका में लिखा गया है 3 स्तर में होगा ये काम, एक है आद्य लीला, एक है मध्य लीला और एक है अंतिम लीला। तो बाबा जी वही बात करें, आद्य लीला की शुरुआत की जो पर्याय है, तो ये वही स्थान है, ये वही लीला क्षेत्र है, यहाँ से शुरू होगा आद्य लीला। जी बाबा जी, बताइए।
क्या क्या ग्रंथ क्या प्रमाण देता है, एक बार आप उड़िया में जो लिखा है? कल्प ग्रंथ में लिखा है, लीला चौहटी वो आद्य वोटो टारे नेमाल वोटो प्रमाण महाप्रभु नेमाल वोटो प्रमाण सेठारे आम्भर परिचार थिवे ब्रह्म हेव नित्य धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु कहते से आद्य लीला हम नेमाल वोटरे, तेणु ये वोटर लीला आरंभ हम कौ पर पर्यंत ना ये वोट हम श्रीक्षेत्र पर्यंत, आद्य लीला हम नेमाल वोटर श्रीक्षेत्र पर्यंत जही आद्य भूमि शंभु कल्प कल्प ज्ञान गंगा सर ताप दाहि। महाप्रभु ये कहते ये श्रीक्षेत्र धाम अवभूमिकार जो कल्पवट ये नेमाल वटर लीला आरंभ हम इटि अनेक भक्त ज्ञानी जोगी पंडित दार्शनिक वैज्ञानिक और ज्ञानी पंडित बुद्धिजीव ये सब यहाँ कर आकर क्या करेगा देखेगा क्या होगा। एक जंत्र है, एक जंत्र में महापुरुष एक 84 का जंत्र में लिखा है, ये नदी के किनारे पर एक जंत्र है, जो जंत्र में पूजा करेगा वो फल पाएगा आज। अच्छा आज के दिन में? आज के दिन में। अच्छा आज का मतलब बाबा जी ये कह रहे हैं कि आज का ये जो पवित्र दिन है इसके जो है स्नान पूर्णिमा देव स्नान पूर्णिमा, इसी अवसर पर एक जो यंत्र है और उसका कुछ विशेष विधियाँ भी है, उस नीति और विधियों के मानने के वास्ते अगर यहाँ पे आप पूजा करते हैं तो आपको मिलेगा पुण्य मिलेगा। तो बाबा जी आप वही बात लिखा है 413 भविष्य ग्रंथ है। अच्छा उसका कुछ विशेष कुछ विधियाँ है मतलब? विद्या है, ब्रह्म विद्या है। विधि है, एक श्रीफल लाएगा आप, श्रीफल मतलब नारियल लाएगा वो नदी के किनारे पर चौखम करेगा। अच्छा। जो पानी को पंचामृत करेगा, गांव के जो पांच अमृत है वो करेगा, मंत्र स्नान करेगा, फूल लाएगा और फूल को झगड़ा करेगा और झगड़ा रंगोली बनाएंगे, मुरुज में वो चिता करेगा, चिता करके जो महापुरुष का जो यंत्र है ना श्री यंत्र, वो यंत्र का नाम क्या है? शून्य यंत्र है। कहाँ मिलेगा ये शून्य यंत्र? वो लिखा है पोथी में। अच्छा पोथी में लिखा है, गुरु को मानता है, गुरु जब गुरु आप मिल जाएगा वो यंत्र आपको मिल जाएगा। बाबा जी ये आपका कठिन काम आप बता दिए, तो मतलब जो हमारे भक्त यहाँ पे आना चाहेंगे उनको गुरु कहाँ मिलेगा और गुरु उनको फिर वो स्त्री यंत्र कहाँ बनाएगा? हम इसी बात में हमें विधि विधान का बात इसको बुला दूंगा किस तरह होगा। क्लीन कृष्ण आयोग बिंदा आयोग जन्न वल्लभ आयोग ये मंत्र है, एक बार फिर से आप बता दीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविजन्न वल्लभाय नमः, सात थर पड़ेगा, सात बार, उसको सात बार पढ़ने के बाद नारियल को छूने पड़ेगा वो बाली में, बालू का स्तूप में यंत्र स्थापन करेगा वो अनेक पुण्य लाभ करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब बालू में उसको पूजा करके फिर नदी में इसको जो है डाल देगा पूजा के बाद डाल देगा। क्या बात है। तो मतलब बाबा जी ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात आपने बताए, जैसे कि मतलब वो नारियल लाके उस मंत्र के साथ अगर आप इसको फिर नदी के किनारे यहाँ पे पूजा करते हैं उसके बाद फिर पानी में डाल देते हैं तो आपको मिलेगा जन्म जन्म का पुण्य आपको मिलेगा एक ही दिन में। तो फिर बाबा जी हमारा ये हिंदी चैनल है, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे अगर वो यंत्र उनको कैसे भी करके उनको यंत्र चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं ये यंत्र? दे सकता हूँ जी जी, बहुत बढ़िया। मैं भोजपत्र में लिख कर दूंगा। जी बहुत बढ़िया है ना, शिव का एक पत्र है यहाँ पे कुमकुम में लिख कर दूंगा। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर बाबा जी मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि अंतिम लीला होगा और क्या क्या होगा इस चित्रतपुरा नदी के किनारे? नदी के किनारे पर भक्त लीला करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, वो नदी उछल जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ जो 240 गांव है ना, बाढ़ नहीं होगा जो गांव है गांव में घुस जाएगा। अच्छा, नदी के पानी जो है गांव के अंदर जाएगा, वो तीर्थ बन जाएगा, वो भी तीर्थ बन जाएगा। अच्छा, तो अगल बगल में तो यहाँ पे बहुत सारे गाँव है, कितने गाँव है? गाँव कितना हम मालूम नहीं, लो 240 गाँव के बारे में लिखा है महापुरुष, गाँव के बारे में वो पानी खींचेगा वो लिखा रहा था भविष्य ग्रंथ में लिखा है, वो तीर्थ बनेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, खाली मतलब संत अच्युतानंद दास जी यहाँ पे आए थे या फिर पंच सखाएं यहाँ पे आए? नहीं, अच्युत आए थे, जसवंत बलराम जगन्नाथ शिशुअनंत पंच सखा यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सातवीं चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, साथ में चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति युग का जो दौर था उस समय
एक कंथा है यहाँ पर है, क्या क्या चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धिन में जो पिंडता है वो कंथा भी एक भक्त घर है। हम इसको भक्त बारे में, इसका नाम है फकीर। अच्छा, यहाँ भक्त है? भक्त है। तो देखिए मतलब यहाँ पे भक्त भी हैं जो मालिका में लिखा गया है भक्तों के बारे में, तो भक्तों का एक भक्त का नाम, एक भक्त जो है उनका नाम का खुलासा भी कर दिए कान्हू बाबा जी ने, उनका नाम है फकीर। एक्चुअली असल में वो फकीर भी हैं। फकीर है। और भी है ना? और भी भक्त हैं क्या? तीन हजार 132 भक्त है ना यहाँ पे। अच्छा, मतलब चित्रतपुला नदी के किनारे लगभग 3132 भक्त यहाँ पे हैं, और वो परीक्षा भी देंगे इसी नदी के किनारे, उनका परीक्षा भी लिया जाएगा। तो बाबा जी ये क्या समय निकट है? अभी अभी निकट हो गया, अनंत युग जब आया ना वो सब लीला फैलेगा। लीला वो महापुरुष का लीला 111 देश में पहुंच जाएगा। अच्युत क्या क्या लिखा है, अनंत क्या लिखा है, जसवंत क्या लिखा है, बलराम क्या लिखा है, जगन्नाथ क्या लिखा है, ये जो सनातन धर्म का विश्व वार्ता वो पंचशका ही देता। तो बाबा जी के मानना है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 111 देश जो है मालिका को मान्यता देंगे, मालिका के ये जो पवित्र कथाएँ हैं उसको फिर विश्व पटल पर पहुँचाएंगे। कौन पहुंचाएंगे? भक्त पहुंचाएंगे। तो बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो दर्शक है उनको आपने बहुत ही सुंदर बात जो है पहुंचाए, क्या है इस चित्रतपुला नदी का महिमा। तो आप अभी सुन रहे थे मालिका विशेषज्ञ, मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी को। तो बाबा जी बोल रहे थे कि ये जो नदी के किनारे हैं, चित्रतपुरा नदी के किनारे हैं, ये मालिका के प्लेस हैं, मालिका बनित स्थान है। तो यहाँ पे लगभग 270 मालिका बनित स्थान है जो मठों, मंदिर और आश्रम के बारे में आज भी खड़े हैं। तो संत अच्युतानंद दास जी की जो गादी है जिसको हम नेमार गादी कहते हैं, बिल्कुल वहाँ बगल में है। आप वहाँ पे देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में, लगभग 10 लाख लोगों की, भक्तों की जो मेल है वो आज ही के दिन यहाँ पे हुई है, और पता नहीं भक्तों की जो लाइन लगभग रात भर चलेगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका मत दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचखा।